If you have a subject in your application document that you think is not clear enough and you cannot, you want to explain, यहाँ पे वो ये अगर आप एक्सप्लेन कुछ करना चाहते हो अपने बारे में, डिस्कशन देना चाहते हो लैंग्वेज के बारे में, अपने डॉक्यूमेंट्स के बारे में, अपने एजुकेशन के बारे में, अपने वो करना, इसके बाद जब आप करोगे आप सब ये फिल कर लोगे तो आपने इंटरव्यू लोकेशन पे क्लिक करना है। इंटरव्यू लोकेशन पे आपने क्या करना है, यहाँ पे सेंटर सेट करना है कि आपका इंटरव्यू कहाँ पे लिया जाए। और उसको भी शायद नेट प्रॉब्लम हो गया, खत्म हो गया। जब आपने इसको दोबारा से कोई एप्लीकेशन मेरी लाइफ से जानती थी, मेरी एप्लीकेशन अपने तो मैंने किया है, इनका फिर वक्त मेरी एप्लीकेशन शो हो गई है। जब मैंने उस पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद मेरे दोबारा से भेज दिया है। आप एप्लीकेशन को मैं आपको बता रहा था, यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है कि आप कौन सा कंट्री सेलेक्ट करोगे, पाकिस्तान सेंटर, यहाँ पे कंट्री में सेलेक्ट करता हूँ पाकिस्तान। पाकिस्तान करने के बाद आपने देखा है तो यहाँ पे आपके सेंटर आ गए, पंजाब से लाहौर आ गए, इस्लामाबाद आ गए, सिंध से कराची आ गए। ये आप सेंटर सेलेक्ट करोगे, सेव कर दोगे। सेव करने के बाद आपने क्या करना, आपकी समरी होगी पूरी एप्लीकेशन की कि आपने क्या क्या फिल किया। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे समरी पे, सबका रिव्यू है क्या, आपने रिव्यू करना है, आप देखेंगे समरी में होता नहीं हो रही, वैसे ही समरी हो रही थी कि मैंने अभी ये कम्प्लीट नहीं किया, मेरा आपका सब परमिशन दिया मैं लेटर कंटेंट किया। जैसे ही आप समरी वाला एप्लीकेशन करेंगे, आप एक किस्म की पूरी आपकी एप्लीकेशन सामने आ जाएगी। जैसे आप किसी के पोर्टल में आपने देखी, आप उसको सारा पढ़ लेंगे। अगर आपको एडिट करना है तो आप एडिट कर सकते हैं, एट दी एंड जो है ना आप सेव के साथ ऑप्शन है वो सबमिट कर, और आपने वो सबमिट कर देंगे तो आपकी एप्लीकेशन स्टेटस यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो है ना एप्लीकेशन अप्लाई सबमिट करनी है।